तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? द इनविंसिबल लॉर्ड के एपिसोड 8 में आपका स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पे एक व्यक्ति भागते हुए जाता है उसके मास्टर के पास। कहता है कि मास्टर, यहाँ पे एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है मेरे पास आपके लिए। और वो मास्टर को बताता है कि यहाँ पे जो नेस्ट थी पूरी स्पाइडर की, वो किसी ने एलिमिनेट कर दिया है और वहाँ पे एक मॉन्स्टर तक छोड़ा नहीं उस व्यक्ति ने। जिसको सुनते हुए वो मास्टर बहुत ही हैरान होता है और वो कहता है कि ये क्या मजाक कर रहे हो तुम? और वैसे अगर ये सच बात है तो ये एक बंदे का काम है। वैसे अगर ये शायद एक व्यक्ति का काम है तो ये नाइट वॉचर्स ही कर सकते हैं ऐसा, पर नाइट वॉचर्स ऐसे अंडरकवर मिशंस करते नहीं कभी। पर अब चलो जो भी हो, पर ये कितनी बेकार चीज़ है कि हमारे पास कुछ भी नहीं लगा हाथ उन मॉडल्स से। मुझे यहाँ पे उनका वैनम चाहिए था, वो तक मेरे हाथ नहीं लगा। और अब मुझे लगता है कि हमें यहाँ पे कुछ लोगों को लूटना ही पड़ेगा ताकि हम अपना जो ये जो डेफिसिट है उसे कवर कर सके। और फिर तभी उतने में वहाँ पे किसी के चलने की आवाज़ आती है, जिसको सुनते हुए ये लोग एकदम चौकन्ना हो जाते हैं और वो कहते हैं कि शायद कोई बंदा आ चुका है, हमें इसे लूटना होगा, तो एकदम तैयार ही रहना तुम लोग। और फिर तभी उतने में वहाँ पे शेंग आ जाता है और वो उन सभी से कहता है कि यहाँ पे तुम लोग इतने पैनिक मत हो जाओ, मैं तो बस यहाँ पे एक ट्रैवलर हूँ और हंटर भी हूँ साथ में, और यहाँ पे मैं सिर्फ आप लोगों से खाना एक्सचेंज करने के लिए आया हूँ। तो अगर आपके पास कोई खाना है तो मैं आपके साथ एक्सचेंज करना चाहूँगा उन्हें कुछ आइटम्स के बदले। तो ये वो मास्टर अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये व्यक्ति एकदम नॉर्मल लग रहा है मुझे, और मुझे लगता है कि ये कुछ हमें तकलीफ भी पहुँचा पाएगा, तो ये एकदम सही बकरा है। अब ये मास्टर यांग से कहता है कि हम लोग तुम्हारे लिए एक्सचेंज कर लेंगे, पर तुम पहले बताओ कि तुम हमें एक्सचेंज में क्या दोगे खाने के बदले में। और फिर यांग उनसे कहता है कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्टफ्स हैं जो तुम्हें पसंद आएगी। और वो मास्टर बड़े हैरान से कहता है कि तुम्हारे पास ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिसको देख के हुए हम लोग हैरान हो जाएंगे। और वो ऐसे बोलते हुए पीछे से जो लोग होते हैं वो यांग को मारने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। पर फिर तभी उतने में यांग अपनी इन्वेंट्री में से वो सारे जो स्पाइडर्स होते हैं उनकी जो लेफ्ट ओवर थे, मतलब आइटम्स वगैरह, वो बाहर निकाल देता है, जिसको देखते हुए वापस सब लोग हैरान हो जाते हैं। और वो लोग समझ जाते हैं कि यही वो व्यक्ति है जिसने वो पूरी नेस्ट को साफ कर दिया। और जिसको देखते हुए वो काफ़ी डर भी चुके होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये व्यक्ति हमारी चाल समझ चुका है। और ज़ियांग उनसे कहता है कि वैसे तुम्हें जो चाहिए वो ले भी सकते हो, और वैसे मुझे पता है कि तुम लोग क्या करने की कोशिश करने वाले थे। और दोस्तों अभी यहाँ पे जो ज़ियांग का जो लेवल है वो लेवल 17 है। जिसको देखते हुए ये सब लोग यहाँ से तुरंत भागने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो इसके साथ बैटल करने की कोशिश करेगी तो इन लोगों को हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा और जो चीज़ें इनके पास फिलहाल है वो भी ख़राब हो जाएगी। तो ये लोग तुरंत वहाँ से भागने लग जाते हैं। और जो सियांग होता है वो यहाँ पे बैठ के कैंपिंग करने लग जाता है और साथ में अपने जो आर्मी के दो व्यक्ति थे उन्हें बाहर निकालता है और उन्हें यहाँ पे गार्डिंग के लिए बिठा देता है। और वो उनसे कहता है कि अगर कोई भी अजीब चीज़ें हो तो ध्यान रखना उन चीज़ों पर। और फिर अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये कितनी अजीब सी चीज़ हो गई है, यही एक एडवांटेज है मेरे पास, एक डिसएडवांटेज है। यहाँ पे मेरे पास एक सर किंग है और पूरी पूरी एक क्वीन है जो लाइक बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब ये दोनों चीज़ों के कारण एक तो एडवांटेज है, पर अब मेरे को इतनी जल्दी भूख लग रही है कि मेरे से पूछो ही ना, तो ये डिसएडवांटेज बनते जा रहा है मेरा। और फिर उसके बाद हमें यहाँ पे सिस्टम उसकी डिवायर वैल्यू दिखाता है और साथ ही साथ बताया जाता है कि अगर ज़ियांग को दूसरी जनरेशन चाहिए तो उसके लिए उसे जल्दी से 10 लाख पॉइंट्स इकट्ठा करने होंगे। और ये सिस्टम रिक्वेस्ट भी कर रहा होता है उसे कि जल्दी से लेवलअप करें। पर अभी ज़ियांग अपने मन में सोचते हुए कहता है कि यहाँ पे मैं लेवलअप करना चाहूँ तो फिर भी करूँ कैसे? एक तो इनकी जो लिमिट है वो कितनी ज़्यादा है, उसे करे तो मुझे लगता है मैं तो बूढ़ा हो जाऊँगा। और ऊपर से ये जो मॉन्स्टर सभी मैं मार रहा हूँ, भले बॉस भी क्यों ना हो, उनकी कोई पॉइंट्स इतने अच्छे नहीं है कि वो 10 लाख पॉइंट्स के करीब भी आ सके। लाइक एक एक सिंगल पेन जितना पॉइंट्स मिल रहा है मुझे तो। और अब इसी वजह मुझे लगता है कि मुझे जल्दी से नाइट वॉचर्स के पास जाना चाहिए क्योंकि नाइट वॉचर्स ही ऐसी गिल्ड हैं जो अपनी जो डंजन सी रेड करने वाले होते हैं वो कभी पब्लिक को बता दे नहीं है कि कौन सी रेड करने वाले हैं। तो शायद से ये लोग कोई स्पेशल डंजन पे रेड करते हैं जिस वजह से शायद मुझे अच्छे खासी पॉइंट्स ही मिल जाए ताकि मैं ये 10 लाख जो पॉइंट्स हैं अपने बूढ़े होने से पहले कंप्लीट कर लूँ। और फिर ज़ियांग अपने हाथ में क्वीन को चेक करता है और वो कहता है कि ये अभी तक जागे नहीं है, इसने अभी इतने सारे लोगों को बर्थ दिया है तो इस वजह से ये थोड़ा उसके लिए हार्ड हुआ होगा, तो शायद ये थक गई है। और फिर तभी उतने में ज़ियांग बड़े हैरान से यहाँ पे आसपास देखने लगता है क्योंकि उसे यहाँ पे अचानक से कोई लोग फील होने लग जाते हैं।
पर उसको वहाँ पे कोई दिख नहीं रहा होता है। और फिर तभी उतने में वहाँ पे कोई उसे टकराता है जो एक्चुअली इनविजिबल है, और वो तुरंत जैसे टकराता है वो नीचे गिर जाती है। और ये वही लड़की है जो पहले मिली थी। तभी वो लड़की सियांग से कहती है कि तुम तो वही लड़की हो जो मुझे स्पाइडर नेस्ट के पास मिले थे, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मेरा जो नाम है प्लीज़ मत बताना, और ना ही मैं यहाँ पे तुम्हें दिखी हूँ वो किसी को बताना, प्लीज़ ऐसा मेरी हेल्प कर दो एक बार के लिए। सियांग बड़े हैरान से कहता है कि ये क्या करना चाह रही है मेरे साथ, और दूसरी बात ये मुझे दिखी क्यों नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो मुझे दिख तो जाता है एटलीस्ट। और फिर तभी उतने में सियांग को कुछ पावर फील हो रही होती है, जिसको समझते हुए सियांग कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम होने वाली है, मैं अभी भाग भी नहीं सकता, एक तो अगर मैं भागूंगा फिर मैं पकड़ा जाऊंगा। और फिर तभी वहाँ पे वही मास्टर आ जाता है जो जियाओ फैमिली का था। वो सियांग को देखते हुए कहता है कि ये कितनी अच्छी बात है, हम लोग वापस से मिल गए, और वैसे मैं तुम्हें देखते हुए काफी ज्यादा खुश हूँ। और फिर तभी वहाँ पे जो जैंग था जिसके साथ उसकी पहले बहस हुई थी, वो व्यक्ति उसको देखते हुए काफी ज्यादा हैरानी से कहता है कि तुम ऐसी जगह पे कैंपिंग कर रहे हो, और वैसे तुम एक बात जल्दी से बताओ कि तुमने यहाँ पे किसी कोई भागती हुई लड़की को देखा है, जल्दी से बताओ नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे यहीं पे। तभी उसका जो मास्टर होता है वो उसे वापस शांत करते हुए कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं। और वैसे करते हुए जियांग के पास जाके बैठ जाते हैं। और फिर वो बातों बातों में जियांग की जो स्किल होती है सबसिस्टेंस क्वेस्ट वाली, वो उसके बारे में बता देता है, और जियांग को जो लेवल होता है वो एक्यूरेटली बता भी देता है, जिसको देखते हुए जियांग काफी हैरान होता है। और वो कहता है कि ये मुझे लगता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, शायद ये लेवल 30 के भी अप होगा, क्योंकि ये मुझे यहाँ पे आराम से जो मेरी स्किल है वो बता पा रहा है और लेवल भी प्रेडिक्ट कर पा रहा है, जैसे इसके पास कोई अप्रेजल हो या फिर कोई इक्विपमेंट हो जो इसकी हेल्प कर रहा हो। और फिर तभी वो मास्टर जियांग से कहता है कि मेरे को यहाँ पे एक्चुअली एक इम्पोर्टेंट काम है, क्या तुमने यहाँ पे किसी लड़की को भागते हुए देखा है क्या? तभी जियांग दूसरी तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि अब मैंने देख तो नहीं पाया, पर यहाँ पे एक्चुअली मुझे कुछ शेडोज फील हुई थी जो यहाँ से उस डायरेक्शन में गई थी, शायद आप वापस जाके चेक कर सकते हो, और ये लोग एक्चुअली वापस जाने लगते हैं। और वो जाते हुए मास्टर कहता है कि मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, और ये इस पे भी भरोसा करता हूँ कि तुम मुझे झूठ नहीं बोल रहे हो, वरना तुम देख ही सकते हो आगे क्या होगा, क्योंकि सियाओ फैमिली किसी को भी ऐसे माफ नहीं करती झूठ बोलने पे। और फिर ये लोग जैसे चले जाते हैं वैसे ही वहाँ पे सियाओ फैमिली का नाम सुनते ही जियांग अपने मन में सोचने लगता है, ये जो सियाओ फैमिली है वो एक्चुअली ये कंट्री की प्रोटेक्टर्स है, मतलब एक प्रोटेक्टर गिल्ड है। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो फैमिलीज हैं वो हेवन और अर्थ को पूरी तरह से शैटर कर सकते हैं एकदम अपनी पावर की वजह से। और ये जो फैमिलीज होती हैं वो ऐसे ही कहीं पे घूमने निकल नहीं जाती, ये एक्चुअली सिर्फ एकदम बड़े बड़े अटैक्स हो जाए या फिर कोई डिजास्टर हो रहा हो वहाँ पे जाके सिर्फ हेल्प करने के लिए आती है, क्योंकि ये प्रोटेक्टर्स है, तो सारी सी बात है ये लोग यही करेगी। और अभी दूसरी बात, तो ये जो व्यक्ति यहाँ से गुजरा है वो जियाओ फैमिली से है, तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम में डालने वाली चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे एक तो मैंने उसे झूठ बोला है और मुझे नहीं लगता कि ये व्यक्ति मेरे को छोड़ेगा अगर इसे पता चल गया तो। और फिर जैसे ही वो लोग वहाँ से जा चुके होते हैं वैसे ही वहाँ पे वो जो लड़की होती है वो वापस से विजिबल हो जाती है। और फिर वो लड़की जैसे दिखने लगती है जियांग उसको तुरंत ही पकड़ते हुए उसे कहता है कि तुम पहले मेरी जो क्वेश्चन है उसका आंसर दो, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और तुम्हें पता है तुम किस प्रॉब्लम में हो, और तुमने मुझे भी उसमें घसीट लिया है, तुम यहाँ पे सियाओ फैमिली से लड़ रहे हो, तुमने यहाँ पे सियाओ फैमिली को कैसे ऑफेंड कर लिया है यार। तभी फिर वो जो लड़की होती है वो उसको एक्सप्लेन करने लग जाती है, और वो कहती है कि एक्चुअली जो मेरी फैमिली है वो कार्गो बिजनेस में है, और वो एक्चुअली यहाँ से कार्गो लेके जा रहे थे और उसमें काफ़ी ज़्यादा वेल्थ थी। अब ये जो व्यक्ति था वो उसके पीछे पड़ गया, उसको एक्चुअली ये सारी चीज़ें चाहिए थी हमसे, और जैसे ये इन लोगों ने हमें पकड़ लिया वैसे इन लोगों ने हमें लूटा तो सही, पर इसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं वहाँ से भागने लग जाऊँगी। और फिर वो लड़की जियांग को थैंक्स करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी जो हेल्प है वो जिंदगी भर याद रखूंगी, और मैं तुम्हें ज़रूर ये जो हेल्प के बदले कुछ ना कुछ रिटर्न करना चाहोगी। तभी वो जियांग वैसे जाने लगता है और उससे कहता है कि मुझे फ़िलहाल के लिए तुम अलग कर दो, और याद भी रखना नहीं कि मैंने कभी तुम्हारी हेल्प की थी, मैं इस मैटर में एकदम बाहर हूँ। तभी फिर वापस जियांग को एकदम अचानक से अलग ऑरा फील होने लग जाता है, और वो लड़की कहने लगती है कि शायद ये लोग वही व्यक्ति हैं, क्योंकि ये जो प्रेशर है वो उन्हीं लोगों का है। और फिर तभी वो जो मास्टर होती है उसकी आवाज़ आने लग जाती है, और वो कहता है कि वैसे हम लोग तुम्हें लास्ट चांस देते हैं, तुम लोग अपने आप से बाहर आ जाओ। और फिर तभी जियांग अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अब भागने का कोई चांस नहीं है और ना ही बचने का, अगर मैं यहाँ पे कुछ बोलूँगा फिर भी ये लोग मुझे दोषी ही ठहराएंगे। और फिर ऐसे बोलते हुए वो लोग आगे जाते हैं, और वहाँ पे वो सारे जो लोग होते हैं वापस वहाँ पे आ चुके होते हैं। और वो मास्टर जियांग से कहता है कि मैं जब तुम्हें पहली बार देखा तभी मुझे लगा था कि तुम कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हो, और मैं बिल्कुल सही था।
और अब तुम इस चीज की सजा जरूर भुगतने वाले हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।